हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्या, जी हां दोस्तों, पैसा कमाओ जीके क्विज के बारे में। जी हां दोस्तों, एक ऐसी शुरुआत जिसमें आपको पढ़ाई का जुनून सवार हो जाएगा और आप घर बैठे कमा सकते हैं 50 से लेकर 50,000 रुपये प्रत्येक सप्ताह, वो भी चंद पहेली और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का उत्तर देकर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, यह आप लोगों की डिमांड का ही परिणाम है। जी दोस्तों, मांग का ही परिणाम है कि हमको ऐसी क्विज लानी पड़ी। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर अभी एग्जाम हमारा कोई पता नहीं कब है, एग्जाम डेट आ ही नहीं रही है, कोरोना चल रहा है तो घर में बहुत बोर हो रहे हैं, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब इस तरीके से आप लोग का पढ़ाई में बेझिझक मन लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जहां पैसा आता है वहां मन भी लगता है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो किसके लिए, जॉब के लिए। जॉब किसके लिए, ताकि आपके सपने साकार कर सकें, पैसा आए, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। तो फ्रेंड्स एक ऐसी शुरुआत है कि आपका मन बिल्कुल जरूर से जरूर लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं हर एक चीज को कि कैसा क्या करना होगा, आप लोगों को क्या है क्विज और कैसे कैसे इनाम मिलेंगे। आप लोगों को पहले ही बता दें कि यहाँ पर टॉप 10 विनर होंगे, एक नहीं 10-10 लोगों को यहाँ पर इनाम मिलेगा। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और दोस्तों यह क्विज आप लोगों की प्रत्येक सप्ताह, जी हाँ दोस्तों, डिसाइड होंगी आप लोगों की, आपके एग्जाम के अनुसार भी क्विज बनाई जाएगी। अभी हाल ही में सभी लोगों की जीके के क्वेश्चन देखने के बाद यह क्विज तैयार की गई है। मतलब अभी किसी एग्जाम बेसिस पर है क्विज नहीं है, बाकी सभी एग्जाम में पूछे गए जी के क्वेश्चनों का यहाँ पर संग्रह है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें इसमें आपको कैसा क्या करना होगा। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक चीज को विस्तार से। लेकिन दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा घंटी के निशान, उसको भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और फ्रेंड्स एक चीज क्या कि दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, प्लीज अवश्य शेयर करें, जरूर शेयर करें, ताकि आपके जैसे जो भी भाई बंधु हैं सभी की हेल्प हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक चीज को, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या सबसे पहले बात करते हैं जरूरी निर्देश की कि आखिरकार आप लोग जब क्विज अटेंड करेंगे उससे पहले आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके क्विज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या, क्विज में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, फिर चाहे आपका उत्तर सही हो या गलत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपकी जो क्विज जे वाली क्विज है इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 20 प्रश्न। और यह क्विज आपको अभी बता दें कब ली जाएगी, आपका पेपर कब लिया जाएगा, आपका पेपर लिया जाएगा 7 जून रात्रि 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, नाइट का टाइम इसलिए फिक्स किया है ताकि आप लोग नाइट में कोई कहीं ना रहे, घर पे ही रहें, मतलब कि टाइम अच्छे से निकाल लेते हैं। लोग दिन में बिजी भी रहते हैं तो रात्रि में सब अपने अपने घर आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, क्विज में टोटल 20 प्रश्न है जिसमें से पहले प्रश्न में आपसे संबंधित जानकारी भरनी है, सही सही, अन्यथा आपको अपात्र माना जाएगा और क्विज टॉपर होने पर भी आपको इनाम राशि प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला है आपसे कि यहाँ पर आपको टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चंस आपकी जानकारी से संबंधित होगा, मतलब आपका नाम क्या है, कहाँ से है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, वो आपको देना अनिवार्य है, नहीं तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। और उसके साथ साथ आपका एक नंबर चला जाएगा, चूंकि आपको यहाँ पर एक नंबर मिलने वाला है आपकी जानकारी देने का। बाकी 90 क्वेश्चंस आपके जीके से संबंधित रहेंगे। एंड इसके साथ साथ आप लोग अभी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें आपके रजिस्ट्रेशन आज ही से स्टार्ट हो गए हैं और यह चलेंगे कब तक, यह चलेंगे आपके 6 तारीख की बाद तक, मतलब कि जो आपकी 7 तारीख में एग्जाम कंडक्ट होगा उस तारीख के 12 बजे दिन तक आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। आज से लेकर 6 जून 12 बजे तक दिन में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे, फिर इसके बाद आपकी जो लिंक है वो बंद कर दी जाएगी और फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो फिर हिसाब से यहाँ पे बोला गया है कि आपकी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और क्विज ईमेल आईडी अलग अलग पाए जाने पर आपको
अपात्र घोषित किया जाएगा। मतलब कि आप अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी एक ईमेल आईडी आपको वहां पर देनी होगी। एंड इसके साथ साथ जब आप टेस्ट देंगे, मतलब कि जब आप एग्जाम देंगे, तो आपको वहां पर ईमेल आईडी देनी होगी। यदि इन दोनों में भिन्नता पाई जाती है तो आपको अपात्र माना जाएगा। अब बात करते हैं क्या संपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए आपको यहाँ पर टोटल 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब कि आपके जो 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओके, एंड इसके साथ साथ क्विज का रिजल्ट अगले दिन दिया जाएगा, मतलब 7 तारीख को आपका जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट 8 तारीख को घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है जिसमें से सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले टॉप 10 कैंडिडेट ही इनाम राशि के पात्र होंगी। मतलब कि आप जितने भी लोग वहां पर शामिल होने जा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनमें से टॉप 10 कैंडिडेट को फाइंड किया जाएगा जो कि इनाम के पात्र होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और कैसा क्या रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें आपका 7वां पॉइंट जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। केवल प्रथम प्रश्न पर अंक का कोई मतलब यहाँ पे बोला गया प्रथम प्रश्न का कोई अंक नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो आपकी जानकारी है उसका अंक निर्धारित नहीं था। लेकिन आपको बता दें फ्रेंड्स यदि आप वहां पर पूरा फिलअप कर रहे हैं तो आपको उसका भी अंक दिया जाएगा। क्योंकि अभी चेंजेस कर दिए गए हैं, ए नोट पहले का है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी वहां पे भर रहे हैं तो आपको वहां पर पूरा अंक मिलेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मतलब यदि आप इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं भर रहे हैं तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे एंड इसके साथ साथ आप लोग को उसका अंक 1 नहीं मिलेगा। एंड इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे बोला गया है आपके 20 क्वेश्चन 20 अंक के होंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी गई है, बाकी आपके जो 20 प्रश्न है 20 ही अंक वहां पर होंगे। ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, 90-90 कर दिया है। आप लोगों के जो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 अंक के रहेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि टॉपर का चयन अधिकतम अंकों के अनुसार किया जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा अंक अर्जित करने वाला व्यक्ति होगा फर्स्ट विनर, फिर उससे कम सेकंड विनर, फिर उससे कम थर्ड विनर। इस प्रकार से 10 कैंडिडेट को फाइंड किया जाएगा। अब इसके बाद क्या यहाँ पे बोला गया है अंक समान आने की स्थिति में। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैंने 20 में से 20 अगेन कर लिए तो सामने वाले पर्सन ने भी 20 में से 20 ही मार्क्स ले आया, तो अब हम किसको टॉपर मानेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें ऐसी स्थिति में क्या होगा, अधिक आयु वाले छात्र को वरीयता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि एग्जाम्स का रूल्स भी होता है, यहाँ पर जिसकी आयु जितनी अधिक होगी उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यदि इनमें से एक बंदा 21 साल का है और एक बंदा है कितना 20 साल का, तो 21 साल वाले को यहाँ पर टॉपर माना जाएगा। यदि फिर भी यहाँ पर समानता पाई जाती है तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर उनके नाम के अनुसार जो प्रथम वर्ड होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब कि यदि इसकी शुरुआत ए से है और इसकी शुरुआत बी से है तो ए वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि यहाँ तक संभावनाएं बिल्कुल सॉल्व हो जाती है लेकिन फिर भी बनती है, तो हम एक पोल क्रिएट करेंगे और वोट डालवाएंगे कि किसको यहाँ पर विनर फाइंड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10वां, क्विज में शामिल सभी प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक ज्ञान और पहेली पर आधारित होंगे। जैसा कि आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं जीके पोर्शन से। एक तो आपका जनरल नॉलेज में सारी चीजें आ जाती हैं, इकोनॉमिक, आपका पॉलिटी, आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और भी बहुत सी चीजें, करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आपका साइंस जो कि सामान्य रहता है, इन सभी के क्वेश्चंस आपको आपके यहाँ पर देखने के मिलेंगे। और 1 से 2 पहेलियां रहेंगी जो कि आपका मनोरंजन करेंगी और आपको इनमें दिमाग लगाना होगा, इनका आंसर आपको देना होगा। आपको बता दें आपकी जो पहेली रहेंगी वो मात्र और मात्र काल्पनिक रहेंगी, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये क्या है कैसा है, यहाँ पर जो रहेंगी वो काल्पनिक होंगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मेन पॉइंट पे जो कि इसका सार है, इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार जो इनाम राशि रहेगी वो कैसे वितरण होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनाम राशि आपके कैंडिडेट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। मतलब यदि आप लोग 100 कैंडिडेट इस टेस्ट में भाग ले रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो 100 के बीच ये राशि कैसी कैसी जाएगी जरा ये सुनिए।
जो प्रथम टॉपर होगा उसको मिलेंगे 50 रुपये, जो सेकंड पे आएगा उसको मिलेंगे 40 रुपये, जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको मिलेंगे 30 रुपये, जो चौथे नंबर पे आएगा उसको मिलेंगे 20 रुपये, जो पांचवें नंबर पे आएगा उसको 19, छठवें पे आएगा 18, सातवें पे आएगा 17, आठवें पे आएगा 16 और नौवें पे 15 और आपके 10वें पे 14। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर राशियां दोगुनी होती जाएंगी, 100 से जब 200 हो जाएंगे कैंडिडेट तो यहाँ पर 50 का 100 हो जाएगा, 40 का 80 हो जाएगा और आपका 30 का 60 हो जाएगा, मतलब कि 2-2 से इंटू होता रहेगा। ओके, इसी प्रकार से यदि यहाँ पर 1000 कैंडिडेट भाग लेते हैं इस टेस्ट में तो फर्स्ट टॉपर को 500 और आपके सेकंड को 400, 300, 200, 190, 180, 170 इस प्रकार से 140 तक मिलेंगे 1000 की सीमा पे। यदि 10000 कैंडिडेट भाग लेते हैं इस टेस्ट में तो आपको फर्स्ट टॉपर को मिलेंगे 5000 रुपये, सेकेंड को 4 और आपके थर्ड को 3 और इसी प्रकार से सबसे लास्ट वाले को मिलेंगे 1400 रुपये। और यही क्रिया यदि 1,00,000 कैंडिडेट भाग लेते हैं टेस्ट में तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेंगे कितने रुपए? जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मिलेगा यहाँ पर 50,000 रुपये फर्स्ट टॉपर को, और सेकंड को मिलेगा 40, यहाँ पर तीसरे को मिलेगा 30, चौथे को मिलेगा आपका 20 और आपका पांचवे को मिलेगा 19,000 और 10वें नंबर पे जो आएगा उसको मिलेगा 14,000 रुपये। तो फ्रेंड्स ऐसा राशियों का वितरण रहेगा, मैंने यहाँ पर समझा दिया है। और बाकी आप टेस्ट देंगे उससे पहले आप लोगों को एक पेज ऐसा ही मिलेगा जिसमें आपको जरूरी निर्देश पढ़ना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आ गया हूँ उस पेज पर जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, आप जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के लास्ट तक या फिर आप इसी वीडियो के कॉर्नर पे जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आप रजिस्ट्रेशन देख लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या ऐसा पेज शो होगा जिसमें सबसे टॉप पर आपको एक लिंक दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, यह वही लिंक है जो कि आपको टेस्ट देगी, मतलब आपको इसी लिंक पर क्लिक करके टेस्ट देना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डबल टैप करना होगा, आपकी लिंक ओपन हो जाएगी और आप टेस्ट पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल में यह लिंक अभी एक्टिव नहीं है, ये होगी कब? आपकी रात्रि 8 बजे 7 जून को। अब फ्रेंड्स थोड़े नीचे आएंगे, आपको जो निर्देश सारे पढ़ लेने हैं चूंकि मैंने बता दिया है क्या क्या है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट देने से पहले जरूर पढ़ लें पूरे के पूरे निर्देश। आपको यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों की प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1/4 नंबर की कटौती लागू होगी, मतलब कि आपके यहाँ पर माइनस मार्किंग रहने वाली है। और आपको टेस्ट देने से पहले यह वीडियो देखना है, मतलब कि अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो वाली वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या आपको मिल जाएगी वो वीडियो, आप उसको देख लेना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसकी लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, थोड़े आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर डेमो लिंक मिलेगी, मतलब कि आपका जो पेपर लिया जा रहा है वो किस टाइप का रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, यहाँ पर वो आपको डेमो बता दिया जाएगा, आपको कैसे क्या फिल करना है, सारा का सारा डेमो होगा, आप दे लेना। एंड इसके साथ साथ आपका लास्ट पॉइंट क्या है, कम से कम संपूर्ण अंकों का 70% लाने पर ही आपको टॉपर वन में गिना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं कि आपने मात्र 5 से 6 क्वेश्चन किए ही हैं सही और आप टॉपर वन आ जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यदि आपको फर्स्ट टॉपर की गिनती में आना है तो आपको करीबन टोटल अंकों का जो कि 20 अंक है इनका आपको 70% लाना अनिवार्य है, तब जाके आप टॉपर वन में गिने जाओगे। अब 70% कितना होता है तो आप काउंट कर लेना, करीबन 20 में से 14 अंक आपको लाना ही लाना होगा तब जाके आप टॉपर वन कहे जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं और बताते हैं आपको कैसा क्या शो होगा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं डेमो पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपसे संबंधित यहाँ पे जानकारी मांगी जाएगी, ईमेल एड्रेस, पूरा नाम क्या है आपका, ताकि हम आपको इनाम सर्टिफिकेट दें एंड इसके साथ साथ आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें, आप कहाँ रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, यहाँ पर आपकी जन्म तारीख ये दर्ज करेंगे तब जाके आप सेक्शन यहाँ पर आ पाएंगे। फिर आपसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आपको कुछ इमेजेस रहेंगी कि कौन है ऐसा करके आपको बताना रहेगा। एंड इसके साथ साथ थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहली से है, और दोस्तों आप ऐसे ही जिसका आंसर देंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको पहले ही बता दें यदि आप आंसर नहीं देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब कि आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, मोबाइल नंबर डालना होगा, आप कहाँ रहते हैं,
इतना सब करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा। ओके, आपका यहाँ पर प्रोग्रेस बार दिखाई देगा, मतलब कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं। और जैसे फ्रेंड्स आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी कि आपने टेस्ट में टाइम कितना लिया, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, स्कोर क्या रहा, आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जन्म की तारीख और दोस्तों आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना नहीं किया। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, फिर भी नहीं आई है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें और नीचे लिंक होगी, आप रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन का चार्ज ओनली 10 रुपीज है बस। जी हाँ दोस्तों, तो लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।